नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो 2 नवंबर को टेक्निकल हेल्पर की मुख्य परीक्षा है उसके बारे में, और उसके लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और पेपर का लेवल कहां तक रहेगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 नवंबर को है दोस्तों, और एडमिट कार्ड जो जारी होने की तिथि बताई गई थी वो थी 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर को आपके क्या है, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 2 नवंबर को आपके जो भी एग्ज़ाम हैं वो ज़्यादातर सेंटर कहाँ पे हैं, जयपुर के अंदर ही हैं लगभग सारे। और अब हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेवल क्या रहेगा। काफ़ी सारे बच्चों में ये सवाल बना हुआ है कि परीक्षा का लेवल क्या होगा, पहले से ज़्यादा हार्ड होगी या किस हिसाब से होगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल देखिए, प्री एग्ज़ाम जो है आपके, उसमें भी आपके कैसा रहा था, बेसिक लेवल था, बेसिक लेवल के आसपास के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद कुछ बच्चों का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ज़्यादा डीपली नहीं थे, लगभग बेसिक लेवल था, लगभग इसमें भी क्या था, बेसिक लेवल था दोस्तों, ध्यान रखना। तो अब जिनका एग्ज़ाम जो है 2 नवंबर को है दोस्तों, तो वो ज़्यादा ऐसा मत सोचें कि ज़्यादा डीपली जाएंगे। देखिए, बेसिक चीज़ सारी पढ़ के जानी है, हर चैप्टर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके थ्योरी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। बेसिक लेवल का मतलब होता है यानी कि हर चीज़ का आपको एक स्टैंडर्ड लेवल पे नॉलेज होना चाहिए हर चैप्टर का, ताकि आप उस क्वेश्चंस को कर सको, ध्यान रखना। और प्री में आपके जो भी शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे दोस्तों, यहाँ पर शिफ्ट वाइज काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए थे, उनके प्रश्न्स के लेवल आपको पता है, उन प्रश्न्स को आप देख के जरूर जाएं। उसके बाद मेन एग्ज़ाम के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आए थे, इनके हिसाब से आपके जो है लेवल बनेगी। इसके आसपास जो मेन एग्ज़ाम जिन बच्चों का हुआ था और प्री में, तो इसके आसपास के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा, कोई 2-4 प्रश्न हो सकते हैं डीपली चले जाएं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपके बेसिक लेवल के आसपास और जो पहले पेपर हो चुके हैं उनके आसपास के ही प्रश्न जो है बनेंगे दोस्तों। और घबराएं नहीं, अच्छे से अपनी तैयारी को जो है कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और यही समय है जो है आपको कुछ करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। 2 नवंबर को आपका पेपर है और दिन जो है 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो इसलिए अपने तैयारी को निरंतर जारी रखिए दोस्तों। और राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसको भी थोड़ा मजबूत कर लीजिए। राजस्थान जीके भी जैसा उस एग्ज़ाम में आया था, लगभग वैसे ही लेवल का राजस्थान जीके भी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। 5 नंबर का मैथ है, जो भी है, छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, गुणा भाग सब्ट्रैक्शन वगैरह वो सारे आप आसानी से कर सकते हो। परसेंटेज निकालना है तो वो भी आसानी से, ऐसे सवाल छोड़ने लायक नहीं होते, क्योंकि ये एक एक नंबर के सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और टेक्निकल के अंदर आपको बेसिक सारी चीज़ें पढ़ के जानी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि पेपर जो आपका बेसिक लेवल से ही बनेगा लगभग, जैसा पहले मेन एग्ज़ाम में हुआ, प्री में हुआ, बेसिक ही था। मैंने पहले भी बोला था बच्चों को कि बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली मत जाना, और वही चीज यहां पे हुई। अभी भी आपको बेसिक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। धन्यवाद।